इंदौर शहर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन भी 600 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में शहर में 645 पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये बेहद लाजमी है कि लोग सावधानियां बरतें, लेकिन आज भी शहर की नंदलालपुरा सब्जी मंडी पर लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। शहर मध्य प्रदेश का इंदौर, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 645, एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। शहर में लगातार हिदायत दी जा रही है कि मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, ताकि ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे से बचा जा सके। इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि दुकानदारों ने मास्क लगाए हुए हैं, लोग यहाँ दिखते हैं, लेकिन सड़कों पर अगर हम तस्वीर देखते हैं तो सड़कों पर बिना मास्क के, सर मास्क लगा लीजिए, आते जाते जितने लोग दिखते हैं आप देख लीजिएगा कि शहर के अंदर लापरवाही का आलम जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है। लोग मास्क से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शहर पर तीसरी लहर का खतरा जस की तस मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सर लापरवाही लोगों की नजर आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत जगह आ रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, रात को सरापा 56 दुकान यहाँ पर भी भीड़ भाड़ बहुत हो रही है, मंदिरों में भीड़ हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है कोरोना पेशेंट्स का, लगता है कि अब जरूरी है कि लोगों को बहुत और ज्यादा सचेत होना पड़ेगा? बहुत जरूरी है, प्रशासन को भी अब थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, सख्ती अपनानी पड़ेगी। इंदौर शहर के लोग कहते हुए नजर आते हैं कि सख्ती अपनानी पड़ेगी, लेकिन सख्ती का आलम चाहे कैसा भी हो, फिर भी आप तस्वीरों में देखते चलिए कि लोग रास्तों पर नजर आते हैं तो बिना मास्क के नजर आते हैं। दुकानदारों ने मास्क लगाना शुरू किया है, लेकिन लापरवाही, सर लापरवाही चल रही है मास्क को लेकर लोगों की? बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कि लापरवाही बिल्कुल चल रही है। इतना होने के बाद भी आम जनता समझ ही नहीं रही है कि अपन मास्क लगाए, अपनी सुरक्षा भी खुद भी नहीं समझ पा रहा है वो। और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज के इतने पैसे तो निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे हैं लोग, वे बिंदास घूम रहे हैं, वो कोई समझ ही नहीं रहा है कि आज अपन मास्क लगाएंगे तो अपने को देख के दूसरे लगाएंगे। हम व्यापारी हो ना, हम तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्राहक आते हैं उनको भी बोलते हैं कि आप भी मास्क लगाए। आप मास्क लगा के आते हैं बाहर, मास्क लगाना जरूरी। अच्छा नाम क्या है आपका? चंचल। चंचल, चंचल आपने मास्क लगा के घर से निकले थे? छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें मास्क लगाना है, लेकिन भाई साहब भी मास्क लगाना भूल गए। सर मास्क को लेकर लापरवाही चल रही है? चल रही ना सर, कितना जरूरी है मास्क लगाना? मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। हम आगे बढ़ते जाते हैं। सर मास्क भूल गए आप? रास्ते में टोकना पड़ता है लोगों को कि मास्क भूल गए हैं। जाते हैं नजर में यही आता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या बाजार हो। जरूरी है मास्क लगाना, क्योंकि शहर पर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और वो खतरा है तीसरी लहर का। वीरेन के साथ में अति अभिषेक, इंडिया न्यूज़।